नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज बिहार। महुआ नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है। एक तरफ जहां दुर्गा पूजा को लेकर जो लोग श्रद्धा में जो है पूरी तरह जो है लिप्त है, वही दूसरी तरफ नगर परिषद चुनाव को लेकर जो है लोगों में जो है तरह तरह की चर्चाएं जारी हो गई है। विभिन्न वार्डों के प्रत्याशियों द्वारा जहाँ लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर जो है मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाया जा रहा है, वहीं अब जो है मतदाताओं की भी खामोशी धीरे धीरे टूटने लगी है। अभी महुआ नगर परिषद क्षेत्र संख्या 19 में हूँ, जहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता गरीबों का बेटा, गरीबों का मसीहा दिनेश कुमार हिमांशु हैं, जिनकी धर्म पत्नी शारदा यादव जी इस बार चुनाव मैदान में है। आइए शारदा यादव के पक्ष में किस तरह जो है यहाँ के स्थानीय मतदाता सदापुर महुआ सुकरेट गांव का है, आइए मतदाताओं से हम रूबरू होते हैं और बताते हैं कि इनका चुनावी हलचल क्या है, किस मुद्दे पर यहाँ के मतदाता मालिक जो है अपना मतदान करने वाले हैं। 10 अक्टूबर को यहाँ मतदान होना है और लोगों में अब जो है मतदाता भी खामोशी तोड़कर अपने आप में जो है कौन प्रत्याशी क्या है उनके विषय में चर्चा करने लगे हैं। ये चौपाल कार्यक्रम है, देखिए किस तरह मतदाताओं की जो है भीड़ यहाँ पर जमी हुई है। मेरे लहू के और ये सदापुर महुआ सुकुनट गांव है, यहाँ पर जो है ये वार्ड पार्षद प्रत्याशी शारदा यादव के पक्ष में है। आइए यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, इनको जो है लोग जो है एक के जो है काफी उम्र दराज मतदाता हैं। इनका नाम क्या नाम हुआ आपका? सीताराम राय। कहाँ घर हुआ? सदापुर महुआ। ये चुनाव का माहौल है और आप लोग ये चौपाल में आए हैं, क्या किस आधार पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? अच्छा, किस ग्राउंड पर वोट करेंगे आप लोग का क्या है? गरीब दुखिया देखते हैं और गरीब दुखिया का जो देखते हैं उनको वोट करने जा रहे हैं। आइए एक और जो है मतदाता है, क्या नाम हुआ आपका जी? मोहित राय जी। आप लोग इस बार जो चुनाव में मतदान कीजिएगा, किस आधार पर वोट, कैसे प्रत्याशी को चुनना चाह रहे हैं आप लोग? क्षेत्र में हिमांशु जी के क्षेत्र में हम लोग हैं। अच्छा, जो गरीबों का मसीहा जो काम करते हैं उनको आप लोग वोट दीजिएगा। आइए माताएं भी हैं जो मतदाता महिला मतदाता हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रेणु देवी। रेणु देवी, आप लोग तब वोट कीजिएगा, लोकतंत्र का महापर्व है। शारदा यादव जी के, शारदा यादव जी के पक्ष में वोट कीजिएगा। अच्छा चलिए, क्या है शारदा यादव जी में क्या खासियत है कि आप लोग जो है नाम ले रहे हैं? वो दुख सुख में देखते हैं, हर चीज में देखते हैं, उनको हम लोग जिताने चाहते हैं। अच्छा, दुख सुख में साथ देते हैं, साथ देते हैं। आइए ये भी है महिला मतदाता है, क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी जी। 10 तारीख को लोकतंत्र का महापर्व है, आप लोग को वोट करना है और आप जो 19 नंबर वार्ड है यहाँ पर 6 प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में है, ठीक ना? तो आप लोग किस उम्मीद पर वोट करने जा रहे हैं, कैसे प्रत्याशी को चुनाव करेंगे आप लोग? सुख दुख में सब लोग के देखते हैं, भावना होने में गरीब अमीर सब के देखते हैं, गरीब आदमी है तो जिताएंगे तब ना कुछ करेंगे। यानी जो गरीब है उनको आप चुनाव जिताइएगा। आप लोग किस मुद्दा पर वोट कीजिएगा, कैसे लोगों को वोट करेंगे? समाज के लोग के देखे छी, दुख सुख में खड़ा हो और आयल गेल के सबके सुरक्षित करे छी। तो हम सोचते हैं कि शारदा देवी के जिताना जरूरत है। वृद्ध मतदाता है, क्या नाम हुआ आपका? कैलाश राय। कैलाश राय जी, लोकतंत्र का महापर्व है, 10 अक्टूबर को आप लोग को मतदान करना है। आपके क्षेत्र 19 संख्या से जो है 6 प्रत्याशी मैदान में, कैसे लोग को आप लोग चुनाव में चुनने जा रहे हैं? अच्छे शिक्षित लोग के हम चुनना चाहते हैं कि अपना गांव के सुरक्षा रखे और मान प्रतिष्ठा दे, हर वक्त में वो तैयारी रहे, ऐसा व्यक्ति को हम लोग चुनने जा रहे हैं। चलिए ये है राम सागर राय जी, क्या ना आपका नाम? सागर राय। हाँ, किस मुद्दा पर आप लोग वोट करने जाए गरीबों के? हम लोग मुद्दा पर इसलिए करने जा रहे हैं जो काम करता है। अच्छा, जो प्रतिनिधि जीता हुआ था उसका किया नहीं। आप लोग जिस प्रत्याशी के पक्ष में जो चौपाल लगाए हैं, क्या है उनका उम्मीद, क्या है? ठीक है,
ठीक है, हम जीतने जा रहे हैं। आप लोग जीत के प्रति आश्वस्त है? क्या नाम हुआ आपका? देखा रहा है। किस उम्मीद पर आप लोग वोट करेंगे? गरीबों के लड़के हैं और वो किसी को देख लिए देखते हैं, जो भी काम कर नहीं है तो युवा में तो तब भी इतना काम करते हैं और वोट गेट नहीं होता है इनके सामने, इसलिए हम लोग जीव जान से लगे हैं। तो आप देख रहे थे चौपाल कार्यक्रम महुआ नगर परिषद क्षेत्र संख्या 19 के मतदाताओं द्वारा जो चौपाल लगाया गया, उसमें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि लोगों का कहना है, यहाँ के मतदाताओं का कहना है, महिला मतदाताओं का कहना है कि हम लोग वैसे प्रत्याशी को चुनाव में चुनने जा रहे हैं जो हमारे सुख दुख में 24 घंटा साथ देते हैं, और हम अपने अपने गांव से, अपने समाज से गरीबों को, बेटा को जो है चुनाव में अपना मत देने जा रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व है, यहाँ से इस वार्ड से जो है 6-6 प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में खड़े हैं, फिर भी लोग जो है किसी खास प्रत्याशी के पक्ष में जो है चुनावी चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर अपना आप जो है मतदाता अपना खामोशी को तोड़कर जो है अब गुलबंद होने लगे हैं। अब आने वाले जो 10 अक्टूबर उसमें मतदान होगा, और अब 12 अक्टूबर को मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा कि यहाँ के मतदाताओं को जो खामोशी किसी खास प्रत्याशी के पक्ष में टूटा है, तो 12 अक्टूबर को क्या देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज बिहार। धन्यवाद।